वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बात करेंगे संधि क्या होता है, तो संधि का अर्थ है मेल, है ना। मेल का मतलब क्या होता है, मिलना होता है ना। संधि का अर्थ होता है मेल। यहाँ पे दिया दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब कभी भी ना दो वर्ड को मिलाया जाए, देखो अब वर्ड क्या होता है, अगर वर्ड की बात करेंगे, वर्ड का मतलब होता है अक्षर, है ना। बोला दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, मतलब दो अक्षर को जब एक पास मिलाएंगे ना, जैसे देखिए अ प्लस अ, आप इसको जोड़ेंगे ना तो आप इसको आ बोलेंगे, ठीक है, आप इसको आ बोलेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड मिला, दो वर्ड के मिलने से क्या हुआ कि अ बदल गया आ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे संधि, है ना। अब संधि की बात करेंगे तो संधि के तीन स्वरूप लिखे गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मतलब संधि के कितने स्वरूप हैं, ये तीन स्वरूप हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब देखिए स्वर संधि क्या बोल रहा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाएगा, देखिए यहाँ पे स्वरों की बात करें, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है ना। अंग और अह को अयोग वाह माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी, देखिए हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। यहाँ पे देखिए हिम, अगर आप हिम को देखेंगे ना तो हिम सच में ऐसे लिखा है, देखिए ह है ना, हलंत लगा होगा यहाँ पर, प्लस छोटी ई की मात्रा होगी, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसमें म, म के साथ भी हलंत होगा और लास्ट में अ होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपको जो म दिख रहा है ना, सच में म क्या है, म का मतलब अंतिम में अ है, अ का मेल आ से हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा बदल गया आ में, हिमालय बन गया। चलिए तो यहां से आपको स्वर संधि का डेफिनेशन समझ में आ चुका है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिए अगले स्लाइड पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है। अब स्वर संधि की बात अगर करेंगे तो स्वर संधि पांच प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन से, यहाँ पे पहला जो है वो है दीर्घ स्वर संधि, है ना। दूसरा जो है ये गुड़ स्वर संधि है, और तीसरा दिया इसमें वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो देखिये स्वर संधि पांच प्रकार का है, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि, है ना। तो ये पांच प्रकार के स्वर संधि होते हैं, एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं, जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर, है ना, सजाती कहने का मतलब क्या होता है, समान, है ना, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों को मिलाया जाता है तो जो तो वे दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जब कभी बिना, जैसे दो ह्रस्व, यहाँ पे लिखा है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ, उ और री, है ना। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ, ई, उ। इसका मतलब है ना, देखिए अगर कभी आप अ और अ को मिलाएंगे तो ये देखिए ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, दोनों मिलकर किस में बदल जाएगा, दीर्घ मतलब आ में बदल जाएगा। अगर आप अ और आ को भी मिलाएंगे, है ना, अ और आ मिलेगा, देखिए एक ह्रस्व और एक दीर्घ है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों आ बन जाएगा। देखिए अगर आप दोनों दीर्घ को मिलाते हैं, आ प्लस आ लिखते हैं ना, फिर भी ये क्या बनेगा, आ बनेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने पहले आ करके बाद में अ किया तो फिर भी आ ही बनेगा, तो ये चार स्टेटमेंट मतलब चार स्वरूप इसका बना, है ना। ऐसे आप ई के साथ भी देख सकते हैं, छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो बड़ा ई बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, है ना, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो फिर भी बड़ी ई मिलेगी, है ना। इसी तरीके से ऊ के साथ भी आएगा और री के साथ भी आएगा। तो आपको ये दीर्घ स्वर संधि क्या होता है यहाँ से स्पष्ट हो चुका होगा। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे इसी स्वरूप को थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया है। देखिए अच्छा यहाँ पे संयुक्त स्वर, मतलब स्वर के बारे में पहले बताया गया, तो ये स्वर के बारे में क्या होता है, अभी संयुक्त की जरूरत हम लोगों को नहीं है, है ना, आपको ह्रस्व और दीर्घ समझना। देखिए यहाँ पे इसका विस्तार दिया है, अ और आ मिल करके आ बनाएगा, है ना, अ और अ मिलकर भी आ बनेगा, अ और आ मिलकर भी आ बनेगा, आ और अ मिलकर भी आ बनेगा, और ये जो कंठ लिखा है, कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है, तो मैंने ये भी बता दिया कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से देखिए ई, ई दोनों छोटी है तो ये बड़ी ई बन गई, है ना। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बन गई, दोनों बड़ी ई है फिर भी बड़ी ई बनी। यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए पहले बड़ी ई और फिर लास्ट में छोटी ई, ये भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ये उच्चारण स्थान क्या होता है, ये हम लोगों ने वर्णमाला जब पढ़ा था तो उसमें एकदम क्लियर करके आए हैं कि उच्चारण स्थान का तात्पर्य किस चीज से। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ऐसे ऊ का दिया है, ऊ का स्टेटमेंट क्या, देखिए यहाँ पे दोनों छोटे ऊ हैं मिल करके बड़ा ऊ बन रहे हैं, है ना, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ बन रहा है ना, ये पूरा स्टेटमेंट दिया। देखिए आपको ना बस खाली इतना याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे दीर्घ
स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब कभी भी संधि विच्छेद करने पर या मतलब दोनों को मिलाने पर मतलब संधि बनाने पर बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ ये मात्रा मिल जाए ना तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए, ये इसका ट्रिक है इसको पकड़ने का, आ बड़ी ई या बड़ा ऊ। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा, जैसे देखिए अन अभाव, यहाँ पे देखिए अ और अ दोनों आपस में मिलके यहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है तो क्या बन जाएगा, अन्न अभाव है ना, मतलब अन्न का अभाव है। देखिए गीत प्लस अंजलि है ना, गीतांजलि, यहाँ पे देखिए अ था और अ मिला, अ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया है ना, यहाँ पे देखिए ये आ बन गया। इसी प्रकार से अगला क्या है, चरण अमृत है ना, चरण अमृत का मतलब है चरण अमृत है ना। देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पर अ है, अ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। ठीक, देखिए पुष्प अवली है ना, पुष्प अवली का मतलब है पुष्पावली, यहाँ पे अ और अ मिलके आ बनाए, रामायण रामायण हो जाएगा। ठीक, सूर्य अस्त सूर्यास्त हो जाएगा। इसी प्रकार से धन अर्थी धनार्थी हो जाएगा है ना, परा अधीन मतलब पराधीन हो जाएगा, ये पर अधीन है, मत अनुसार मतलब मतानुसार है ना, राम आधार मतलब रामाधार, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है रवि प्लस इंद्र रविंद्र है ना, अधि प्लस इच्छण अधिच्छण है ना, अति यु अतियु, हरि प्लस इस हरिश है ना। देखिए और भी चीजें आप लिख सकते हैं, नदी प्लस इस नदीस हो जाएगा है ना, तो ये चीजें आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा है, इसका ट्रिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसी ट्रिक को यहाँ पे लिखा गया। यदि बीच के अक्षर का मात्रा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो संधि दीर्घ स्वर संधि होगा। देखिए बीच का जो अक्षर है अगर इसकी मात्रा को हम लोग आ कर दें है ना, या फिर बड़ी ई कर दें या फिर बड़ा ऊ कर दें, तब जो संधि बनेगा वो संधि हमेशा कौन सा संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले संधि पर, अगला संधि आपको यहां पर दे रखा है गुड़ स्वर संधि है ना। देखिए अब हम लोग बात करेंगे गुड़ स्वर संधि क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है यदि कंठ स्वरों के पश्चात कोई तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल होने पर कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ और अर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा स्वर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कंठ स्वरों की बात करेंगे तो कंठ स्वरों का मतलब होता है अ या आ है ना, अ या आ ये कंठ स्वर है ना। कंठ स्वरों के पश्चात कोई तालव्य आए, तालव्य का मतलब क्या होता है, तालव्य का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे तालव्य को भी लिख देते हैं, तालव्य का मतलब है तालव्य, रुके ये रुके, कंठ स्वर की बात करेंगे तो जो कंठ स्वर है अ आ ठीक, जो तालव्य स्वर है, तालव्य स्वर है ई और ई। देखिए अब यहाँ पे लिखा गया अगर कंठ स्वरों के पश्चात कोई तालव्य आए है ना, मतलब अ या फिर देखो अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ठीक 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 ठीक, यहाँ पे लिखा है देखिए कंठ स्वर अ या आ है ना, इसके बाद तालव्य स्वर आएगा ई और ई, तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य बन जाएगा मतलब ए हो जाएगा। ठीक, देखिए कंठ तालव्य ए और ए होता है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में ना यहाँ पे विस्तार से लिखा है, देखिए अ प्लस छोटी ई फिर भी ए बनेगा, अ प्लस बड़ी ई फिर भी ए बनेगा, आ प्लस छोटी ए बनेगा और आ प्लस बड़ी ई भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, ये कंठ तालव्य का सेटलमेंट हो गया। देखिए कंठ के बाद ओष्ठ आएगा तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है ना। देखिए कंठ का मतलब अ या आ है ना, इसके बाद ओष्ठ का मतलब ऊ या ऊ ये आएगा, तो ये फिर ये क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा, कंठोष्ठ का मतलब ओ या फिर औ में परिवर्तित हो जाएगा। सो अब देखिए ओ या औ होता है लेकिन ये परिवर्तित किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ ओ में होगा, औ में परिवर्तित नहीं होगा है ना। ये कंठोष्ठ होते दोनों लेकिन परिवर्तित सिर्फ इसमें होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या, देखो अ या आ ये कंठ है, इसके बाद अगर ओष्ठ आ रहा है तो ये बदल जाएगा ओ कंठोष्ठ में। ठीक, चलिए और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट में इसी स्वरूप को विस्तृत किया गया, अ और ऊ मिला है, आ और ऊ मिला है ना, अ और बड़ा ऊ मिला है, आ और बड़ा ऊ मिला है, तो ये ओ में परिवर्तित हो रहा है, ये कंठोष्ठ है। ठीक, देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपने क्या लिखा था, अगर कंठ के पश्चात री आएगा तो री का क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा है ना, अर है ना। अब देखिए इस र का मतलब क्या होता है, इस र का मतलब होता है उड़नतुआ र, जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कर्म है ना, तो ये देखिए ये जो ये है ना ये वाला र है। ठीक, चलिए अब इसको एग्जाम्पल देखिए, जैसे भारत
प्लस इंदु। देखो अ यहाँ पे लास्ट में अ है और ई है, तो अ प्लस ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो यहाँ पे भारत इंदु हो गया। देखिए स्व यहाँ पे अ है प्लस ई है, तो अ ई मिलके ए बन जाएगा, तो स्वेच्छा हो जाएगा, है ना। र मतलब नर लिखा है, लास्ट में अ है, अ में ई मिलेगा तो ए हो जाएगा नरेश। गढ़ प्लस इस मतलब गणेश हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे अ और ई मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे एग्जाम्पल दिया, सोम प्लस इस मतलब सोमेश हो जाएगा, रमा प्लस इस रमेश, लंका प्लस इस लंकेश, है ना। देखिए यहाँ पे पर अ है और अ के साथ उ मिला है, तो अ के साथ उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो लिखेंगे परोपकार, ये सही है। देखिए बीरोचित, ये बीर प्लस उचित बीरोचित, है ना। सर्व देखिए अ है और अ के बाद उ आया है, अ के बाद उ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो यहाँ पे आपने सर्वोदय लिख दिया। गंगा लास्ट में आ प्लस उ, ओ बन जाएगा, गंगोदक हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। महा प्लस ऊर्ध्व मतलब महोर्ध्व, है ना। देव अ प्लस री, है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने अभी बताया था जब कभी भी, देखिए यहाँ पे देव लिखा है और प्लस ऋषि लिखा है, अब इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में अ आ रहा है और यहाँ पे री आ रहा है, अ और री मिलके अर बन जाएगा, अर का मतलब उड़ंतुआ रहा होता है, तो आप लिखेंगे देवर्षि, देवर्षि, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चले इसी प्रकार राजा प्लस ऋषि, तो राजर्षि, देखिए यहाँ पे राजा प्लस ऋषि, ये यहाँ पे नीचे ये टच करने पे ओपन हो जा रहा है, है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऐसे ही। देखिए राजा और ऋषि, है ना, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये राजा और ऋषि, राजा ऋषि, ये इसका बिल्कुल सही तरीका है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे क्या दिया, देखिए अब यहाँ पे दिया है वृद्धि स्वर संधि, आपने दीर्घ पढ़ा, आपने गुड़ पढ़ा, अब वृद्धि की बात करेंगे। कंठ स्वरों का मेल, देखिए कंठ स्वर मतलब अ या आ का मेल, है ना। कंठ तालव्य का मतलब, देखिए यहाँ पे मैं लिखते हुए चलता हूँ, कंठ स्वर मतलब अ या आ का मेल जब कभी भी कंठ तालव्य मतलब ए या फिर ए या कंठोष्ठ मतलब ओ और औ से होता है या होने पर दोनों कंठ तालव्य या कंठोष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे का मतलब ये ए बन जाएगा और ये ओ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है ना कि जब कभी भी अ या ए की क्रिया हम कराएंगे ए या ए से तो हमेशा ए बनेगा, ठीक, और अ या ई को मिलाएंगे ओ या औ से तो हमेशा औ बनेगा, है ना। इस चीज को अगर ओपन करके विस्तार में लिखा जाए, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल लिखा, तो आप ऐसे समझिए, देखिए अ प्लस ए, है ना, ये रहेगा तो भी ए मिलेगा, है ना, आ प्लस ए ऐसा रहेगा फिर भी आपको ए मिलेगा, देखिए अ प्लस ए, है ना, इस कंडीशन में भी आपको ए मिलेगा, और आ प्लस ए, है ना, इस कंडीशन में भी आपको ए मिलेगा, तो इसका तरीका रहा। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा तो आपको औ मिलेगा, यहाँ पर ओ रहेगा यहाँ पे आ रहेगा फिर भी औ मिलेगा, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते, देखिए लोक, देखिए यहाँ पे अ है और ए है, है ना, तो लोक ऐसा ये हो जाएगा। देखिए वित्त प्लस एसड़ा मतलब वित्त ऐसा, है ना, एक यहाँ पे अ क है और यहाँ क का मतलब अ है और यहाँ पे ए है, अ और ए मिलकर ए बनेगा एक एक, है ना। फिर आगे है देखिए मत प्लस एक मत एक, है ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए इस प्रकार के, काफी एग्जांपल्स है तो आप इन एग्जांपल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक, तो ये पूरे एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफी एग्जांपल दिए गए, है ना। अब बात करेंगे यड़ संधि की, यड़ स्वर संधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है तालव्य स्वर, तालव्य स्वर या तालु स्वर क्या होता है, ई या ई, है ना, मतलब छोटी और बड़ी, तथा ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर मतलब उ या बड़ा उ का मेल जब किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो वहां पे यड़ संधि बनती है। देखिए बात ये बोला जा रहा है ना कि अगर ई या बड़ी ई, है ना, और इसके बाद उ या बड़ा उ ये किसी अन्य स्वर से मिले, मतलब ये दोनों नहीं रहेगा, ठीक, अगर ई है ना तो ई का मेल ई से नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा, और ऊ का मेल ऊ से नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। इसमें अगर अब आपको अन्य स्वर मिलेगा तो जो परिवर्तन आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वही आपका यड़ स्वर संधि कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी, देखिए अगर कभी ई के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ई प्लस बड़ी ई, है ना, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, है ना, इसके साथ जब कभी भी मेल होगा अ आ उ ए ऐ ओ औ या फिर अ आ ई ई, देखिए यहाँ पे आपने ई लिखा था ना तो इसलिए यहाँ पे ई नहीं आया, आपने यहाँ पे ऊ लिखा था तो यहाँ पर ऊ नहीं आया। अब देखिए मेल होने पे क्या परिवर्तन होता है इसकी बात करेंगे, अगर ई कभी अ से मिलेगा तो यह बनेगा, है ना, ई आ से मिलेगा तो यह बनेगा, बड़ी ई अ से मिलेगा तो भी यह बनेगा, है ना, बड़ी ई आ से मिलेगा तो भी यह बनेगा। इसका मतलब देखिए अगर कभी भी ई या बड़ी ई,
इसका मेल अगर अ से होगा तो ये हमेशा य बनेगा, आ से होगा तो हमेशा या बनेगा, है ना। इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पे ऊ से होगा तो ये क्या बनेगा, यू बनेगा। अगर बड़ा ऊ से होगा तो ये बड़ा यू, मतलब य में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी। ए से होगा तो ये बनेगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये ई को हमने क्लियर कर लिया, अब इसी तरीके से ना अगर ऊ का मेल कभी अ से होगा तो वह बनेगा, आ से होगा तो वा बनेगा, है ना। फिर देखिए ई से होगा तो वी बनेगा, बड़ी ई से होगा तो बड़ी वी बनेगा, ए से होगा तो वे, ए से होगा तो वे, तो ये पूरा लिखा है ना। और री का मेल अगर अ या आ से होगा तो र या रा बनेगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अति प्लस अधिक। अब देखिए अति लास्ट में छोटी की मात्रा दिख रही है, मतलब ई, और प्लस में क्या हो रहा है अ, ई और अ मिल करके क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया अत्यधिक, है ना, यहाँ पे ये जो त है त आधा हो गया और साथ में ये य में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से देखिए रीति प्लस अनुसार, रित्य अनुसार, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और एग्जांपल लिखा है अति प्लस अंत, मतलब अत्यंत, है ना। देखिए ये ई और अ मिल रहा है, अभी प्लस अंतर, अभियंतर, है ना। गति प्लस अनुसार, मतलब गत्यानुसार या गत्यानुसार। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध। नी प्लस अस्त, मतलब न्यस्त। परि प्लस अटन, पर्यटन। देखिए यहाँ पे ई और अ मिल करके क्या बन गया, यह बन गया, और र मतलब यहाँ पे उड़ंत हुआ र में परिवर्तित हो गया, ठीक। इसी तरीके से परि प्लस अवक्षेपण, मतलब पर्योक्षेपण, है ना। इति प्लस आदि, इत्यादि। अग्नि प्लस आशय, अग्नाशय, है ना। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, है ना। वि प्लस उ, व्यूह, है ना। देवी प्लस अर्थ, देव्यर्थ, है ना। तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल्स लिखा है, इन एग्जांपल्स को आप समझ लीजिएगा, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अयादि स्वर संधि, ठीक है। अयादि स्वर संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया कंठ स्वर। कंठ स्वर का मतलब कंठ तालव्य स्वर, है ना। ए या ए, जब इसका मतलब कंठ तालव्य स्वर या कंठ ओष्ट स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह अयादि कहलाएगा। मतलब देखिए अगर ए या ए, है ना, इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा, है ना, या फिर ओ या औ, इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे अयादि स्वर संधि। अब ये होगा कैसे, देखिए जब कभी भी ए के साथ अ मिलेगा तो अय बनेगा, है ना। अगर देखिए ए के साथ अ मिलेगा तो आय बनेगा, ओ के साथ अ मिलेगा तो औ बनेगा, और औ के साथ अ मिलेगा तो आओ बनेगा। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए से प्लस अन, देखिए समझिए से मतलब यहाँ पे ए होगा, है ना, ए प्लस अ मिलके य बनाएगा, है ना, तो यहाँ पे सयन। देखिए चे प्लस अ, अन मतलब चयन, है ना। नय प्लस, देखिए नय है, नय का मतलब क्या हो जाएगा, ना बन जाएगा, है ना, तो नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, सय प्लस अक सायक, है ना, दय प्लस अक दायक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगर अ से य बन रहा था और फिर मतलब आ से या बन रहा था, तो इसी तरीके से ई से क्या बनेगा, ई की मात्रा लगेगा, नय प्लस ई का नायिका, पो प्लस अनपवन, भो प्लस अनभवन, है ना। इस तरीके से यहाँ पे पूरे एग्जांपल्स लिखे गए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब स्वर संधि यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कर लिया, स्वर संधि हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब स्वर संधि की अगर बात करेंगे ना कि स्वर संधि कितने प्रकार के, तो आपने पीछे देखा है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि टोटल पांच प्रकार के होते हैं। ये पांच स्वरूप क्या क्या है, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, है ना। दीर्घ की बात करेंगे तो आपको बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, ये मात्रा मिल रहा था, है ना। गुड़ की बात करेंगे तो आपको ए या ओ की मात्रा मिल रही थी, है ना। इसी तरीके से वृद्धि में आपको ए या ओ की मात्रा मिल रही थी। अब अयादि की अगर बात करेंगे, देखिए सॉरी यहाँ पे यड़ है, अयादि भी नीचे है, तो अगर यड़ की बात करेंगे तो यड़ में आपको य या व मिल रहा था, और इससे पहले वाला जो अक्षर था वो आधा हो जा रहा था, और अयादि में अय, आय, अव, आओ, है ना, ये मात्रा मतलब मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये बीच में मिलने वाले शब्द हैं, है ना, जहाँ पे संधि होगी वहाँ पे ये सब आपको अक्षर या फिर शब्द मिलेंगे, तो यहाँ से आपका स्वर संधि पूरी तरीके से खत्म होता है। अब नेक्स्ट अगली संधि आएगी हम लोगों की व्यंजन संधि, है ना। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, अगर व्यंजन संधि की बात करेंगे तो व्यंजन संधि में ये है कि व्यंजन का मेल
किसी व्यंजन से होगा या फिर किसी स्वर से होगा। देखिए व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जहाँ पे मेल होगा ना वहाँ पे एक व्यंजन जरूर होगा। अब देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा है, व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर रहित होता है। देखिए व्यंजन स्वर रहित होता है इसका मतलब क्या है, जब भी व्यंजन संधि लिखा जाएगा तो वहाँ पे व्यंजन हमेशा हलंत के साथ आएगा। जैसे अगर मान के चलिए क लिखना है ना तो ऐसे क ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क को हमेशा आप ऐसे लिखेंगे व्यंजन संधि में। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप ना इसमें आपका स्वर मिला रहता है और जब भी आप व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें स्वर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, वाक प्लस इस है ना, ये बन गया वागिस है ना, वाक प्लस इस बन गया वागिस। अगर देखिए यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यदि वाक के साथ हलंत न हो तो वाक प्लस इस हो जाएगा जो कि बनेगा वाकिस। और वाकिस देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा दिख रहा है तो एक ही मात्रा भी अभी आपने पीछे देखा था, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जब भी आप इसमें लिखेंगे आपको हमेशा व्यंजन के साथ हलंत लगा के चलना है। चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि का नियम, मतलब व्यंजन संधि के प्रमुख नियम कौन कौन से। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ नियम दिए गए, इन नियम को आपको याद करना है, इन नियम को जितना अच्छा आप याद कर पाएंगे संधि आपकी उतनी अच्छी होगी। देखिए ये किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, प्रथम व्यंजन का मतलब क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ व्यंजन से या किसी स्वर से या य र ल व ह से होने पर प्रथम व्यंजन तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा। देखिए बोला क्या जा रहा है, जब कभी बिना क च ट त अप इसका मेल, इन सब का मेल किससे होगा, देखिए किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन, तीसरे चौथे मतलब जैसे देखिए ग या घ है ना, इसी तरीके से सीरीज आएगा जैसे च के बाद ज या झ। ठीक, या फिर देखिए किसी स्वर से, कोई भी स्वर रहेगा, स्वर आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त य र ल व ह, ठीक है य र ल व ह इन सब से होगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये मतलब प्रथम व्यंजन तीसरे में बदल जाएगा, क से बन जाएगा ग है ना, च से बन जाएगा ज, ट से बन जाएगा ड, त से बन जाएगा द और प से बन जाएगा ब है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते, देखिए वाक, देखिए ये क है, क का मेल ई से हो रहा है, ई एक स्वर है तो ये क्या बन जाएगा, क ग में परिवर्तित हो जाएगा वागिस, सही है। ठीक, देखिए वाक यहाँ पे क है और यहाँ पे स्वर है जो सॉरी द है ना, द की अगर बात करेंगे त थ द ये तीसरा वर्ड है ना, तो ये क किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, वाग्दान है ना। देखिए वाक प्लस दत्त, ठीक है वाग्दत्त, अच प्लस अंत, च किस में बदलेगा, यहाँ पे देखिए च है, यहाँ पर एक स्वर है तो ये ज में बदल जाएगा अजन। ठीक, चलिए इस तरीके से और भी चीजें आगे समझते हैं। देखिए अच प्लस आदि, देखिए ज पहला वर्ड है ये ज में बदल जाएगा तो अच प्लस आजादी मतलब आजादी, खट प्लस दर्शन खट दर्शन है ना, उत प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस चार सदाचार, भगवत प्लस गीता भगवत गीता है ना, सत प्लस आनंद सदानंद है ना, अप प्लस ज अब्ज है ना, अप प्लस ईंधन मतलब अभिंधन है ना। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट दे रहा, देखिए रूल सेकंड क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल न या म से हो तो पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। प्रथम अक्षर का मतलब देखिए क च ट त अप है ना, इसका मेल अगर कभी भी न या म से होगा तो ये पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, मतलब क का अंग हो जाएगा, च का यह हो जाएगा, ट का अड़ हो जाएगा, त का न और प का म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छा ये स्वरूप लिखा भी है, देखिए स्वरूप लिखा भी है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क बदल रहा है अंग में, च बदल रहा है इं में, ट बदल रहा है अड़ में। देखिए वाक प्लस मात्र वांग मात्र है ना, दिक प्लस नाग दिन नाग है ना, रुच प्लस मय रुन मय है ना, खट प्लस मुख खन मुख है ना, तो खट प्लस मार्ग, ठीक है खन खन मार, तो यहाँ पे लिखा है उत प्लस नति उन्नति है ना, तत् प्लस नाम तन नाम है ना, सत प्लस नारी सन नारी है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए नियम नंबर तीन आपको दिया त संबंधी नियम, त संबंधी नियम का मतलब क्या है, जब कभी भी त का मेल च या छ से कराएंगे तो ये हमेशा त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। देखिए उत प्लस चारण, यहाँ पे त है ना, इसका मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, तो ये त बदल जाएगा च में उच्चारण, ठीक है। उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, ठीक, सत प्लस चित सचित, सत प्लस छात्र सच्छात्र, देखिए यहाँ पे त जितनी बार है सब ये च में परिवर्तित हो जा रहे हैं। उत प्लस छेद उच्छेद,
त बदल गया च में, ठीक है, उत प्लस चाटन उच्चाटन, ठीक है। तो यहां से आप क्लियर कर लेंगे नियम नंबर तीन को भी। चले आते नेक्स्ट नियम पे, देखिए अगला नियम क्या है, त संबंधी नियम में एक नियम और लिखे, जब कभी भी त का मेल ज या झ से होता है तो ये परिवर्तित हो जाता है ज में। देखिए त का मेल किससे हो रहा है, ज या झ से, तो ये परिवर्तित हो जाएगा ज में। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जटिल मतलब उज्जटिल, है ना, विपद प्लस जाल विपद जाल, है ना। तो देखिए आगे त संबंधी एक नियम और दिया, उत प्लस, देखिए यहाँ पे त का मेल अगर कभी ट से होगा तो ट में बदलेगा, और त का मेल ड से होगा तो ड में बदलेगा। इसे तत प्लस टीका तट टीका, सत प्लस टीका सत टीका, है ना। तो ये त संबंधी नियम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर त का संयोग कभी भी स, यहाँ पे देखिए दोनों स लिखा है मतलब इससे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये एक बार यहाँ पे हलंत लगा रहेगा तो होगा, तो ये च या छ में बदल जाएगा। देखिए जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, देखिए यहाँ पे त किस में बदल गया, छ में बदल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सत, यहाँ पे छोटा सा रहेगा, ठीक है, छोटा सा। देखिए यहाँ पे सत प्लस शास्त्र सत शास्त्र, ठीक है। देखिए त अगर कभी ह से मिलेगा तो द या द में बदल, ठीक है। जैसे देखिए उद्धार, है ना, तद्धित, है ना। अब त संबंधी नियम यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग बात करेंगे न संबंधी नियम। देखिए न संबंधी नियम क्या बोलता है, न का मेल अगर कभी भी री र या खटकोर वाला स से होगा तो ये हमेशा ड में बदल जाएगा। जैसे देखिए परि प्लस नाम परिणाम, है ना। देखिए यहाँ पे र का मेल किससे हो रहा है, देखिए यहाँ पे र और न आपस में मिल रहे हैं, इस वजह से परिणाम हो गया। प्र प्लस नाम प्रणाम, है ना, भूस प्लस अनभूषण, ये तरीका। अब आते हैं अगला म संबंधी नियम। अगर म संबंधी नियम की बात करेंगे तो म संबंधी नियम क्या है, म क से म तक किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो इसका मेल, तो म उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। मतलब देखिए जैसे अगर क ख ग घ अंग कोई भी रहेगा लेकिन लास्ट में अंग बनेगा, च छ ज झ इ कोई भी रहेगा लास्ट में इ बनेगा, अगर उसका मेल म से हो रहा है तब। देखिए जैसे कि सम, यहाँ पे म है कलन, है ना, तो ये संकलन बनेगा। देखिए संकलन ये है लेकिन इसको लिखने का सही तरीका ऐसा माना जाता है, ठीक। देखिए जैसे सम प्लस गति संगति, लेकिन संगति को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। देखिए परम प्लस तु ये परंतु, ठीक है, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे क्या दिया, अब यहाँ पे दिया है कि अगर म का मेल कभी भी य र ल व स ख स ह, मतलब अंतस्थ या उष्म व्यंजन से कराया जाए, मतलब अगर कभी भी म को अंतस्थ या उष्म व्यंजन के साथ मिलाया जाए तो ये हमेशा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, है ना, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सार संसार, ठीक। अब म का मेल म से होगा तो म ही बनेगा, जैसे सम प्लस मान सम्मान, है ना, सम प्लस मति सम्मति। चलिए और आगे आते हैं, ठीक। देखिए तो यहाँ पे अभी, ठीक है, ये दो स्लाइड और है। देखिए अगर हम बात करेंगे, यदि स से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य मात्रा हो तो स खटकोर वाले स में बदल जाता है। देखिए जैसे वी प्लस सम, देखिए स से पहले ई की मात्रा है तो यहाँ पे विषम हो गया। वी प्लस सात, ये खटकोर वाले मतलब स में परिवर्तित हो जाएगा विषाद। यदि अ ई उ या आ का मेल छ से हो तो उसके पहले आधा च और छ, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे देखिए अ ई उ आ अगर ये छह से मिलेगा तो छह हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा है परि प्लस छेद परिच्छेद, है ना, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, वी प्लस छेद विच्छेद, ठीक। तो ये हम लोगों के व्यंजन संधि की क्लास रही, हम लोगों ने एक ही क्लास में पूरी व्यंजन को कवर कर लिया, है ना। तो देखिए अब हम लोगों ने दो तरीके के संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसको पूरी तरीके से डन कर लिया। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद संधि से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। अब इसके बाद एक और बचा है विसर्ग संधि, हम लोग आगे इसको भी लेकर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक। और जो भी आपके विचार हैं आप इसको कमेंट कीजिएगा प्लीज़, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने की एनर्जी मिलती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।